8 शहर से चुन के अली 32 भौजी हर हफ्ता 4 गो दिखाई है अपना हुनर के जलवा। एमे से जे होई सबसे नीक उ बनी भौजी ऑफ द वी और फिर जे होई बेस्ट उहे पहनी ताज और बनी भौजी नंबर 1 सीजन 7। भौजी नंबर 1 नमस्कार प्रणाम वेलकम सुस्वागतम रघुवालोइन के बहुत बहुत स्वागत बार आयोजित है प्रोग्राम भौजी नंबर 1 सीजन 7 में महुआ प्लस पे हम प्रिय सुसेना रघुवालोइन के स्वागत करता नहीं अभिनंदन करता नहीं। आजकल हमारा बड़ा सपना आ रहा बा कि हम भौजियन के साथ जो प्रोग्राम करें नहीं भौजी लोगन के इतना ग्रूमिंग हो गई बा कि अब ग्रूमिंग ला कुछ बचल नहीं के सारा क्रीम हो में लाग गई बा सारा क्रीम खत्म हो गई बा और अब उन लोग के रूप बदल गई बा रंग बदल गई बा अंदाज बदल गई बा स्टाइल बदल गई बा परिधान बदल गई बा रउवा लोगन की यकीन नहीं है यकीन हमार बात पे यकीन नहीं अपन देवर के बात पे यकीन नहीं तो खुद देख ली रउवा लोगन बॉलीवुड से आयल 4 परी लोग के जोरदार तालियों के साथ स्वागत बा पूर्वी भौजी ठुमरी भौजी जयती भौजी कजरी भौजी क्या बात है रउवा लोगन बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी लाग रहा बनी लगिन और दिल बहुत गदगद हो रहा रउवा लोगन के शुक्रिया 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 चल रहा बा आज देख ली प्रोग्राम में आज ये लोग का कमाल करे वाला बालो तो ये कमाल के जज करेला हम सबसे पहले तो अपन जज लोगन के स्वागत कर ली जोरदार तालियों के साथ स्वागत बा भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार निर्देशक निर्माता और संगीतकार जोरदार तालिया राजकुमार आर पांडे जी मशहूर कथक नृत्यांगना विधा लाल जिला और बहुत जोरदार तालियां गोपाल राय जिला और हमनी के सेलिब्रिटी गेस्ट प्रियंका पंडित जिला सब लोग नमस्कार प्रणाम छोड़ के सब जगह यही हो रहा है क्या एकदम रंगत बदल गई बाप जज लोगों से पूछा जाओ कि भाई बात का बा खुद विदा जी भी एकदम पुराना स्टाइल वाला एकदम बजंती माला वाला वो सब गेटअप लेके आई पड़ी कुछ तो मामला है पता लगाना पड़ेगा विदा जी रहो बताएं प्रिय जी देखिए सेमीफाइनल राउंड है तो कुछ तो नया होगा ही होगा और क्योंकि हमारा शो वैसे ही इतना हिट है तो उस हिट को और हिट बनाने के लिए हमने सोचा कुछ नया अंदाज करते हैं। राजकुमार भैया मामला बहुत गर्म है जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है मौसम इंसान के अंदर होता है जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है और गोपाल भाई का इस पर क्या कहना होता है हमार मिजाज अब देख के भौजी लोग के हरियर हो गए लागत है कुछ विशेष तैयारी बा सेमीफाइनल के हम चाहते नहीं जल्दी जल्दी देखावल जाओ हमारा तरफ से ढेर सारा शुभकामना अब जरा सा ठूम कर रहे लोग देखे जरा सा प्रियंका जी के जोरदार तालियां प्रियंका जी ला लाइक
क्या बात है प्रियंका जी, क्या बात। एक तो खूबसूरत डांस, ऊपर से आपके खूबसूरत इशारे मेरी ओर। मैं तो भूल गया मुझे करना क्या है, किस काम के लिए आया हूँ मैं। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। प्लीज आप वहाँ बैठ के आराम करो, आराम करो। चूंकि रोल मालूम है कि प्रोग्राम में चार भौजियन, तीन जज और सेलिब्रिटी गेस्ट के अलावा भी हमारा संगे हमारा दू हाथी रहला, और ये हाथी बहुत भुखाइल बा, भूख लागल बा, लोग के इन लोगला केला खरीद के केला खिलावे के बा। हाँ कहता लोग कि केला ना हम बनाना शेक खाएंगे। भाई आज के जमाना के हाथी हा, तो हम इनको पिलाएंगे बनाना शेक। लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। फौजी नंबर वन, फौजी नंबर वन, फौजी नंबर वन, फौजी नंबर वन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रोल इंडिया स्वागत बा महुआ प्लस में भौजी नंबर वन सीजन सात में सेमीफिनाले में चार भौजियन लोग के बीच में हमने के मुकाबला देख रहल बानी सन, खेल रहल बानी सन। हालांकि चार भौजी लोग कहेंगे खड़ा करल तो हमरा ठीक ना लागेला, लेकिन अब ये लोग से ये भी नहीं कह सकत कि तशरीफ रखिए, चूँकि अगर ये लोग बैठ गए लोग तो हमारा प्रोग्राम बैठ जाएगा। ये काम नहीं होके के रोल इनके खड़े खड़े कोई बेचैनी ना होके वजह से रोल इनके एक काम करवाए जा रहा बानी, एक राउंड खिलाए जा रहा बानी, जेकर नाम बा के कितना पानी में। के कितना पानी में चार गो बॉल रखल बा, चार अलग अलग डिपार्टमेंट के क्वेश्चन से में बा, और क्वेश्चन के पिक करके हमरा देवे के बाद सही जवाब पे नंबर लेवे के बाद, और डिपार्टमेंट जे आई विभाग जे आई वो चार गो कार्ड में दर्ज बा, एक कार्ड पिक करे के बा, जिनकर किस्मत में जौन होई वो कार्ड उनकरा के मिली और वही आधार पे क्वेश्चन भी उठावल जाए नंबर मिली। सबसे पहले पूर्वी फौजी रहुआई मौका मिल रहा बा, आ जाए पूर्वी फौजी एक कार्ड में से पिक करे के बाद ठीक ना, और समय रहते जवाब देवे के बा, और समय जब हम बोलेम कि स्टार्ट तो 30 सेकंड के अंदर वह जवाब दे देवे के बा, इनमें से कोई कार्ड निकाल लें। खेल आइल बा, खेल दो नंबर बॉल में रखल बा, इनमें से एक प्रश्न निकाल। सवाल बा, भारत ने अब तक कितने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेले हैं, क्रिकेट के सेमीफाइनल 8 बार खेले हैं, 7 बार खेले हैं, 6 बार खेले हैं या 5 बार खेले हैं। राउंड समय शुरू होता अब। भारत ने अब तक कितने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेले हैं क्रिकेट के, 8, 7, 6 या 5। पांच। बहुत अफसोस कि ये जवाब खुद रो देख लें। सही बात। एक और मौका, पूरा अंक रहुआ खाता में जुड़ गई बा, एक बार और निकालिए में से कार्ड। अब आइल बा देखें राजनीति, एक प्रश्न बा एक नंबर बॉल में, निकालिए में से एक प्रश्न। सवाल बा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। और ऑप्शंस बा ए राज्यों की विधानसभा और विधान परिषदों के द्वारा, बी राज्यों के विधान परिषदों के द्वारा, सी राज्यों के विधानसभा द्वारा, या डी ग्राम पंचायतों नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों के सदस्यों के द्वारा। पहला राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभा और विधान परिषदों के द्वारा होता है, भौजी कहता है, लेकिन ये जवाब गलत बा। जवाब बा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभा द्वारा होता है। पर थोड़ा टफ क्वेश्चन तो रहे, लेकिन वह एगो जवाब पे सही अंक बटोर चुकल बानी, इसे बहुत अच्छा एक कह जाए तो शुभकामना बा भौजी। ठुमरी भौजी आदाब, एक कार्ड में निकाल देखिए कार्ड पॉलिटिक्स, तो एकर सवाल बा एक नंबर बॉल में, एमे से एक प्रश्न निकालल जाओ, देखल जाओ कि कौन सवाल राउंड प्रतीक्षा में बा।
2015 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद किस नेता के इस्तीफा देने के पश्चात ग्रहण किया? ऑप्शन वा जीतन राम मांझी, बी लालू यादव, सी सुशील कुमार मोदी या डी इनमें से कोई नहीं। और समय शुरू होता अब। जीतन राम मांझी। जीतेंद्र की जीतन, जीतन, जीतन राम मांझी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 10 अंक और खाता में जुड़ गई। अब एक और मौका बा, कार्ड हम सफल कर देनी, हमें मिला देनी, फेंट देनी। अब एक बार और घूम फिर कर हुआ पहुँचा तानी राजनीति पे, ठीक ना? एक नंबर बॉल में कर प्रश्न में एक सवाल और निकाली। स्वशासन का अर्थ क्या है? ऑप्शन बा ए पत्नी की सरकार, बी पति की सरकार, सी नगर सरकार या डी ग्राम सरकार। समय शुरू होता अब। पत्नी की सरकार हो, पति की सरकार हो, नगर की सरकार हो या ग्राम की सरकार। नगर सरकार। पक्का? पक्का। जवाब खुद देखिए। सही जवाब। दोनों जवाब सही दे देने वाली 20 अंक इनकर खाता में तुरंत जोड़ दिया जाओ। थैंक यू। चैती भौजी वालेकुम सलाम। चलिए सेव कार्ड निकाल। बहुत आसान होम साइंस घरेलू सवाल, चार नंबर बॉल में कर क्वेश्चन में निकाली तो देखल जाओ कहा होता। प्रश्न बार रुवल्ला, सूर्य की रोशनी से शरीर को कौन सी विटामिन मिलती है? ऑप्शंस बा ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। विटामिन डी। विटामिन डी, तो ये जवाब बिल्कुल सही है। एक और मौका, एक और 10 अंक राहुल खाता में जुड़ेला बेचैन, तो जरूर एक जवाब दे दिए कर। एक कार्ड निकाली पहले। खेल आई बाई बार खेल दो नंबर बॉल में बा निकाली हमें से, ए बॉल में से निकाली एगो प्रश्न तो जवाब दे सवाल के। भारत में पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच किस जगह खेला गया था? जी। दिल्ली में खेला गया था, कोलकाता में खेला गया था, अहमदाबाद में खेला गया था या मुंबई में खेला गया था। राहुल समय शुरू होता अब। मुंबई। मुंबई। और ये जवाब खुद देख ली। अहमदाबाद सही जवाब बा, तो 10 अंक ही रुआ मिली यहाँ। शुक्रिया कजरी भौजी। अब राजबारी बा, रुआ भी मौका मिली दूगो, एक कार्ड निकालिए में से। देखिए का आइल बा, खेल आइल बा और खेल दो नंबर बॉल में से एक प्रश्न निकाली। किस खेल में मोहम्मद अली विश्व चैंपियन थे? बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, हॉकी में या फ्री हैंड फाइटिंग में? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग जवाब दे रहा बड़ी। और भौजी ये जवाब अफसोस गलत नहीं खे। बिल्कुल सही जवाब बा, 10 अंक इनकर खाता में जोड़ दिया जाओ। बहुत बढ़िया। आई अब एक और मौका ली, एक प्रश्न निकाली। खेल आई बा फिर से, खेल में बहुत रुचि बा, तो दूसरा नंबर बॉल से एक प्रश्न फिर निकाली। चेस गेम में एक तरफ से कुल कितने हाथी होते हैं? 3, 2, 4, 1। सर 2। सही जवाब। कुल अंक 20 प्राप्ति भइल बा, बहुत बहुत बधाई। प्रियंका जी आई ये गेम अब रुआ संगे खेला जाओ। मैं खेलती हूँ आपके साथ। तो पहले प्रतिक्रिया लेना जरूरी है, जब तक ये सफल करती है मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। विदा जी कैसा रहा ये आज का राउंड? ये क्वेश्चन निकालने में लगी है प्रदीप जी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। राजकुमार भैया बहुत बढ़िया, अप्स डाउन इन लोगों ने इतना अच्छा किया है, बहुत बढ़िया। आज प्रेजेंस ऑफ बैंड सब पर बहुत अच्छा रहा। गोपाल जी भाई सेमीफाइनल में बड़ी काटे के लड़ाई देखे के मिल रहा बा,
चारों भौजी बड़ी तैयारी में बड़ी, हमारा तरफ से ढेर सारा शुभकामना। चलिए अब चलते जी, देख ले क्या है पॉलिटिक्स। क्या है पॉलिटिक्स? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अभी छुट्टी पे गया है, अभी वो शपथ नहीं ग्रहण कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। जब वो वापस आ जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि किसके सामने वो शपथ लेते हैं। तो छोटा सा ब्रेक है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भौजी नंबर वन सीजन 7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रोगलोइन के बहुत बहुत स्वागत बा भौजी नंबर वन सीजन 7 के सेमीफिनाले में, और सेमीफिनाले में चार भौजियन के बीच शुरू कर रहा राउंड के जेकरा रोगलोइन कहनी बाजे पैजनिया। बाजे पैजनिया में जेंगे रोगल देखे के मिल रहा बा कि महफिल सच चुकल बा, और सबसे पहले हम दावत दे रहा बानी पूर्वी भौजी के, जोरदार तालियों के साथ स्वागत बा विनीता जी। पूरब से लेकर पश्चिम तक बयार बहा देनी है, सीधा जज लोगन के पास चल जाओ। राजकुमार जी, ऐसा लागत रहे कि जैसे कोनो सिनेमा के बहुत बड़ा गाना के शूटिंग चलत होके, और भौजी कितना फिनिशिंग के साथ पूर्वी भौजी कहनी है रुआ, एकदम कमाल धमाल सुपर के ऊपर वाला परफॉर्मेंस है। थैंक यू विधा जी। वाकई में भौजी ये जो डांस अटेम्प्ट आप लोगों ने किया है बहुत खूबसूरत, और मुझे पता है कि बाकी भौजियाँ भी बहुत अच्छा करने वाली है, तो इसलिए मैं नंबर देने में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ आज। तो जो नेक्स्ट भौजी आने वाली हैं थोड़ा सा कमर कस के आइएगा। मीरा जी बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस भैया, बहुत ही अच्छा, और सब लोगों के अच्छा रिमार्क भी आई, लेकिन हम फिर भी चाहें कि अपन जनता से भी अपन ऑडियंस से भी रुआ रिक्वेस्ट करी कि सब जनता लोग रुआ के वोट करे लो और रुआ के सुरक्षित रखे लो। हाँ सब दर्शक लोग के प्रणाम करतनी, हम चाहत नहीं कि हम फिनाले में पहुँची, अगर अपने लोग के हमारे परफॉर्मेंस अच्छा लागल होके तो जरूर हमरा के वोट करी, कृपा करके वोट करी। जितना बड़ लोग बा उन लोग के गोड़ लागतनी, आ सब कोई के हम प्रणाम करतनी, जरूर हमरा के वोट करी। वोट खातिर करी BHJ स्पेस ओकरा बाद RAJ राज, ओकरा बाद भेज दी ओकरा के 5888। क्या बात, क्या बात। तो पूर्वी भौजी के रोल जरूर वोट करी, और ये वोट का एकदम हकदार भी बाड़ी। पूर्वी भौजी बहुत बहुत धन्यवाद, और अब बारी बा अगला कंटेस्टेंट ठुमरी भौजी के, स्वागत। एक तरफ शमशीर
आई घुंघरू पाँव में बा, हाँ राम की घुंघरू अलग गेटअप, अलग लुक आ रहा बा। विधा जी, भावजी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपने डांस भी बहुत अच्छा किया। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत मुश्किल स्टाइल है जो आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, और एक के बाद एक जैसे जैसे सभी भावजी आती जा रही हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं। तो मुकाबला टक्कर का, क्योंकि सेमीफाइनल है, तो मैं तो जो कमेंट्स आप लोगों को दे रही हूँ वो भी बहुत सोच के, डर के दे रही हूँ, क्योंकि मेरे मार्क्स, मैं आपको फिर बता रही हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होने वाली है। विश यू गुड लक भौजी। थैंक यू भौजी। थोड़ा जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट करी कि रघुवाला वोट करे लोग। जनता जनार्दन से फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमको भौजी नंबर वन सीजन 7 के ग्रैंड फिनाले देखना चाहते हैं तो जरूर जरूर से हमको वोट करिए SMS द्वारा। और मेरा कोड है VHJ SOM, और इसको सेंड कर दीजिए 5888 पर। प्लीज वोट करी और सोमा जी के शो में बनाए रखें। ठुमरी भौजी बहुत बहुत बधाई बा, अच्छा परफॉर्मेंस भैया। अब बारी बा अगला कंटेस्टेंट के, तो चैती जी के भेज दें। भौजी जीते रहो। आई जाना जाओ विधा जी से।
भौजी बहुत सुंदर परफॉर्म किया आपने, क्या अदा है, आपकी आंखें बोलती हैं। इस तरह के डांस में एक्चुअली एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, आंखों का बोलना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। राजकुमार भैया, इस एपिसोड में सडनली ड्रास्टिक चेंज है आप लोगों के अंदर, मतलब चारों भौजाइयों में इतना उफान, एक ही दिन में इतना सब कुछ परिवर्तन। अगर एक दिन में इतना बदल सकता है तो आगे एपिसोड में और क्या क्या नहीं बदल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद भौजाई। अब अरुवा से अपील बा कि जनता जनार्दन के रिक्वेस्ट करी कि अगर वो लोग के राउत परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा बा तो वोट करी। देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको मेरा डांस अच्छा लगा हो तो मेरे लिए ढेर सारा वोट करें और मैं आगे भी अच्छा करूंगी, ये आपसे वादा है। और मुझे वोट करने के लिए आप टाइप करें BHJ स्पेस दे के REE और सेंड कर दे 5888। धन्यवाद, क्या बहुत बहुत शुक्रिया कैथी भौजी। और अब शो में आखिरी कंटेस्टेंट, प्रियंका जी के फेवरेट कजरी भौजी। राजकुमार भैया क्या बात है भौजी, एकदम गर्दाफार परफॉर्मेंस, इतना बढ़िया लाग रहा बा कि जैसे हमनी के लखनऊ में बैठल बनी जा और कोनो एकदम राजा महाराजा वाला ठाट बाट होकर और हमनी के एकदम मस्त मिजाज एकदम हरा हो गया बा, जियत रहा असही और असही घर परिवार में खुशी और मस्ती लुटावत रहा। थैंक यू विधा जी। भौजी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, मैं सबसे पहले तो महुआ प्लस भौजी नंबर वन Season 7 को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, यहाँ से भौजी नंबर वन कोई बने ना बने कथक डांसर ज़रूर बन के जाएंगे। पता नहीं आज इन चारों भौजियों को क्या हो गया है, इन्होंने नाश्ते में आलू के पराठे। गजब की एनर्जी, मतलब चारों एकदम फॉर्म में है, बहुत अच्छा लगा सीरियसली। बहुत सारी तालियां और बस रिक्वेस्ट बा अब कि इन तालियों के बीच में अपन ऑडियंस से रिक्वेस्ट करें कि वो लोग वोट करें। लोग अगर वीना जी रहुआ चाहता नहीं कि आगे रहुआ पहुँची तो सभी दर्शक लोगों को मेरा प्रणाम। आप लोगों को, आप लोगों के प्यार की वजह से अभी तक हम लोग बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। आगे भी अगर देखना चाहते हैं और फिनाले तक भी अगर ले जाना चाहते हैं, अगर मैं डिजर्व करती हूँ
तो प्लीज़ आप मुझे वोट कीजिए। वोट करने के लिए लिखिए BHJ स्पेस दीजिएगा, लिखिएगा PAN और सेंड कर दीजिएगा 5888 पे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया रीना जी। तुम्हारी नज़रों से पी रहा हूँ, लड़खड़ाया तो संभालना होगा। तुम्हारे नज़रों से पी रहा हूँ, लड़खड़ाया तो संभालना होगा, बच बचा के घर जाना, रास्ते में पुलिस से सामना होगा। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस सेमीफिनाले में हाजिर हो जाएं। देखते रहिए भौजी नंबर वन सीजन 7। भौजी नंबर वन, भौजी नंबर वन, भौजी नंबर वन, भौजी नंबर वन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रवलो इनके महुआ प्लस पे राहुल चहेता प्रोग्राम भौजी नंबर वन सीजन 7 में सेमीफिनाले में बहुत बहुत स्वागत बा। जब हम ब्रेक पे गए रहनी तो चार भौजी लोग हमारा साथ खड़ा रहे लो, और जब ब्रेक से हम वापस आए बनी तो फिर से चार भौजी लोग खड़ा बलो हमने के अगला राउंड में, जेकर नाम बा बायोस्कोप। बायोस्कोप लाग गई बा, एक अंदर झांके के बाद भौजी लोगन के कुछ क्लिप दिखाई दी, क्लिप के दिमाग में अपन स्मृति में उतार लेवे के बा, और ओकरा बाद हम पूछें एक सवाल, सवाल पे सवाल ओकर जवाब देवे के बा एक मिनट के अंदर। अब उनमें से जितना जवाब सही होई उतना नंबर इ लोग के मिले। तो स्टार्ट होके सबसे पहले मौका दे रहल बनी कजरी भौजी। भौजी यहाँ आई, यहाँ से रुआ बढ़िया से दिखी, और राउर समय शुरू होता अब। फटाफट से वहाँ पहुँची और जवाब दोगे बाप, दिमाग में जो छपले बानी ओकर जवाब दी। क्लिप में रहो जौन जौन चीज देखनी है ओकरा के क्रम में बतावे के कोशिश करी। स्टार्ट करी। ऐश्वर्या राय जी, बोट जी, हॉर्स था जी, उसके बाद शाहरुख खान के और वो दीपिका पादुकोण की मूवी का पोस्टर लगा हुआ था, उसके बाद सचिन तेंदुलकर जी, फिर एक गौतम बुद्ध की मूर्ति थी जी, फिर एक वो ढोकला आया जी, फिर वो हवा जयपुर का किला था जी, हवा महल जी, और एक आइसक्रीम थी कुल्फी जी, बस बस इतना याद है आपको। विजुअल में का कर रहे हम दिखा रहल बानी ऐश्वर्या राय, एक हाउस बोट, एक घोड़ा, हैप्पी न्यू ईयर शाहरुख खान की मूवी के पोस्टर, बुद्धा स्टैचू, हवा महल, सचिन तेंदुलकर, ढोकला, लालू प्रसाद यादव, कुल्फी। जे में से रहुआ ऐश्वर्या राय, हाउस बोट, हॉर्स सही बतानी है। दूसरा सवाल बा वो पे भी नंबर बा, इस क्लिप में कौन सा मोन्यूमेंट है जो जयपुर में स्थित है? हवा महल। हवा महल। तीसरा सवाल बा, वो कौन सा प्लेयर है जिसने 2013 में रिटायरमेंट ली थी? सचिन तेंदुलकर। तो ये दोनों जवाब सही बा, दोनों जवाब पे 5-5 अंक बा, 10 अंक तो भइल, और बाकी जो क्लिप में गड़बड़ी भइल बा क्रम में उ जज लोग डिसाइड कर रहल बा, देखनी कलम चल रहल बा। चैती भौजी के अब बारी बा, स्टार्ट कर जाओ विजुअल के। विजुअल समाप्त भइल, अब पहुंची पोडियम पे, बताई एक क्लिप में का कार वो देखनी है क्रम में। सबसे पहले मोमो मनोज तिवारी, उसके बाद आइसक्रीम,
ऊंट जी, एक टेंपल भी था सर वो नहीं पता, सानिया मिर्जा, रेखा, अक्षय कुमार। इतना रुआ याद रहे। अब उक्रम में थोड़ा सा लड़खड़ा गिल बनी। अब जज लोगों पे डिपेंड बा कि का नंबर मिला था, तो पहले आई ये विजुअल देख ली। मोमोज भोजियन के फेवरेट, मनोज तिवारी भोजपुरियन के फेवरेट, टेंपल काशी विश्वनाथ टेंपल भक्तन के फेवरेट, आइसक्रीम लड़कन के फेवरेट, सानिया मिर्जा लड़कन के फेवरेट, गोल्डन टेंपल, ऊंट, अक्षय कुमार एरोप्लेन और रेखा। तो अब सवाल पर वैसे कि एक ऐसे पर्सनालिटी जो भोजपुरी सुपरस्टार होने के साथ साथ सांसद भी हैं, जवाब दी मनोज तिवारी। सही जवाब। और सिखों का पावन गुरुद्वारा गोल्डन टेंपल भारत के कौन से शहर में है? पंजाब में। हाँ पंजाब में कहाँ है? हम कहाँ ढूंढेंगे भाई, बता दें। हरिद्वार। गलत जवाब है, अमृतसर सही जवाब। ठीक ना, ये तो बहुत सा मतलब आसान सवाल है। तो ठुमरी भौजी अब रावर बारी बा आई विजुअल दिखाओ जाओ। समाप्त आई पोडियम पहुंच। बताई का कार हुआ देखनी है? कार था एक, रामलीला पिक्चर का सीन था, रामलीला पिक्चर का सीन था और एक मॉडल थी, हम पहचान नहीं पाए हैं, और हाथी और एक स्तूप था जो हम पहचान नहीं पाए, गुलाब जामुन था और कथकली नृत्य का सीन था। देखिए क्या कर रहे हैं। कार, रामलीला मूवी के सीन, पाखी, हेगड़े, एलिफेंट, हाथी, गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ गेटवे ऑफ इंडिया, गोलघर, गुलाब जामुन, कथकली डांसर, नवजोत सिंह सिद्धू, पाव भाजी। तो अब सवाल बरुआ से, गोलघर बिहार के कौन से शहर में स्थित है? गोलघर का नाम सुना है आपने? गोलघर का आपने नाम नहीं सुना है? अंग्रेजों के जमाने में राशन जमा करने के लिए वो बनाया गया था बिहार में, तो वो कहाँ बनाया गया था? पटना बस सही जवाब। दूसरा प्रश्न बा, अगला प्रश्न बा, इस क्लिप में दीपिका पादुकोणे और रणवीर सिंह की कौन सी फिल्म का सीन दिखाया गया? रामलीला। इसके लिए अंग्रेजों की जरूरत नहीं है। पूरी भौजी राहुल बारी का है। क्लिप प्रभु भी देखे कि मिली, लगाई ध्यान लगाई स्टार्ट। विजुअल समाप्त, पोडियम पे पहुंची, याद करते हुए जाएं काका देखनी है। चलिए अब क्रम बताएं काका देखो। साइकिल, ओकराबाद निरहुआ दिनेश लाल यादव, ओकराबाद जिलेबी, जिलेबी के बाद कंगना रनावत, शेर, बीच में एक मंदिर आ रहा तब कंगना रनावत, तब शेर, शेर के बाद मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, कपिल देव, गोलगप्पा।
राहुल सारा ऑर्डर सही रहा, गोलगप्पा ही थोड़ा सा पलट देनी है, खाए वाला चीज कैसे छोड़ देनी है। आई देखी साइकिल, दिनेश लाल यादव, जलेबी, गोलगप्पे, जगन्नाथ टेम्पल, पुरी, कंगना रनावत, शेर, मनमोहन सिंह, कुतुब मीनार, कपिल देव। तो चलिए अब दूसरा मौका बार हुआ लगे। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? कुतुबुद्दीन। बिल्कुल सही जवाब। वो कौन सी अदाकारा है जिन्हें फिल्म क्वीन के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कंगना रनावत। बिल्कुल सही जवाब। क्रम में भी बहुत मामूली गलती भईल और जवाब भी सही देनी है, बढ़िया खेलनी है रवलोगिन। अब नंबर का मिलल बा, आई जानल जाओ, थोड़ा प्रतिक्रिया लेवल जाओ, राजकुमार भैया से पूछा जाए। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, इस राउंड का बहुत खूबसूरत राउंड है जी, और ये पूरा बचपन याद दिला देता है जब सिनेमा टेलीविज़न चूँकि घरों में उस वक्त नहीं इतना हुआ करता था, तो ये इस तरह के बायोस्कोप चलते थे गाँव में भी और इवन शहर के अंदर भी, और ये देखने को मिलता था, वो आज देखने को मिला है यहाँ पर। हमारी भौजियाँ सब ने बहुत अच्छा कोशिश की हैं, प्रयास की हैं, कुछ बहुत आसपास रही हैं, कुछ बहुत दूर दूर बिखर गया है। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था क्रम को, लेकिन क्रम बिखरा है थोड़ा थोड़ा सबका। तो आगे राउंड के लिए फिर से और तैयार रहें और एकदम अच्छा खेलना इस बात के। तो बहुत खूबसूरत बात राजकुमार भैया कहले हमें, और ई जोन ब्रेक हम लेवे जा रहल बानी अपन पूरा क्रू मेंबर ला, पूरा टीम ला। छोटा सा ब्रेक, देखते रहें भौजी नंबर वन सीजन 7। भौजी नंबर वन, भौजी नंबर वन, भौजी नंबर वन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रोलोइन के स्वागत बा महुआ प्लस पे। भौजी नंबर वन सीजन 7 के सेमीफिनाले में आज रोलोइन देखनी है चार भौजन के बीच में मुकाबला, जहां पे सभी मुकाबला के बाद अब नंबर बन के तैयार हो गए बा और नंबर हमारे हाथ पे बा। नंबर हम पढ़े से पहले रोलोइन के एक बार फिर से बता दी कि रोलोइन के वोट ही भौजन के आगे ले जा सकता, ऐसे प्लीज भौजन के वोट करते रही और जौन भौजी पसंद बाड़ी वो भौजी ला वोट जरूर करी। तो अब रवलोइन के हम नंबर बताएं, उससे पहले हम चाहें कि रवलोइन एक बार खुद से भी सभी जनता से सभी जनार्दन से जो लोग ये प्रोग्राम देख रहा बा वो लोग से रिक्वेस्ट करी। सबसे पहले पूरी भौजी रवा आग्रह करी। हम दर्शक लोग के प्रणाम बटे, रवलोइन की चाहत नहीं कि हम बार बार आई टीवी पर और देखी हमरा के बार बार, और सब देवर लोग के खास तरह से कहत नहीं कि अपन भौजी के बनाई भौजी नंबर वन ओकरा के वोट देवे खातिर कहीं BHJ और स्पेस ओकरा बाद RAJ जो हमारे एथी बटे ओकरा के भेज दी 5888 पर। वाह, ठुमरी भौजी रहुआ भी आग्रह करी। दर्शक से मेरा फिर से निवेदन है, जो हमको अगर चाहते हैं आप लोग हम ग्रैंड फिनाले तक पहुँचे तो ज़रूर से हमको वोट करें, और मेरा कोड है VHJ SOM और इसको सेंड कर दे 5888 पर। चैती भौजी, सभी दर्शकों से निवेदन है, आप मुझे ग्रैंड फिनाले में देखना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, तो मेरे लिए ढेर सारा वोट करें। वोट करने के लिए आप टाइप करें BHJ RE और भेज दे 5888 पर। कजरी जी, बहुत हो गई कंजूसी, अब आ जाइए अपना अपना मूड में, उठाइए फ़ोन और करें SMS हमारा खाते में, लिखी जाए BHJ PAN और सेंड कर दी जाए 5888 पर जल्दी से। SMS आ भी रहल बा, लेकिन नंबर हम चौथा एपिसोड में रहुआ लोगों के ऑडियंस के जो वोटिंग बा वो चौथा एपिसोड में रहुआ लोगों के जोड़ल जाए बतावल जाए, वही आधार पे आगे पीछे हो जाए मामला, लेकिन फिलहाल आज जज लोग की ओर से नंबर मिलल बा, रिमार्क मिलल बा, वो रहुआ लोगों के सामने हम रख रहा बानी, जेमें भौजी ऑफ द डे कौन बनल बाड़ी वो मालूम पड़ जाए। कजरी भौजी बीना पांडे जी पटना से, के केता पानी, पहला राउंड में 20 अंक, दूसरा राउंड में 20 अंक, तीसरा राउंड में 10 अंक, कुल बैंकर 50 अंक। चैती भौजी रीना भौजी पटना से, के कितना पानी ई राउंड में मिलल है 10 अंक, बाजे पजनिया में 15 अंक, तीसरा राउंड में मिलल है 10 अंक, टोटल बा 35 अंक। ठुमरी भौजी सोमा जी मुगलसराय से, पहला राउंड में मिलल है के कितना पानी में 20 अंक, बाजे पजनिया में मिलल है 5 अंक,
तीसरा राउंड में मिलल है 10 नंबर, टोटल 12 और 35 अंक। पूर्वी भौजी विनीता जी के कितना पानी इस राउंड में मिलल है 10 अंक, बाजे पैजनिया में मिलल है 10 अंक और तीसरा राउंड में मिलल है 15 अंक, कुल 12 और 35 अंक। यानी कि भौजी ऑफ द डे भैलवाड़ी वीना जी पटना से। बहुत सारा शुभकामना, बहुत सारा प्यार भौजियन के देते हुए आज रउवा लोग इनसे विदाई चाहें। देखत आनी कि चार भौजी लोग मिलके कल का धमाल मचा रहल बा लोग और कल ये लोग के नंबर में का हेर फेर हो रहल बा। शुभकामना रउवा लोग इनसे भी मिलते रहे के चाहिए, वोट करते रही। तो अपन ख्याल रखी, खुश रही, मस्त रही, भेंट हुई रउवा लोग इनसे का लही टाइम ए शो ए चैनल पे। गुड नाइट।